यहाँ पर उपस्थित इस विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय, उप प्रधानाचार्य, हमारे विद्यालय के समस्त अध्यापकगण एवं अध्यापिकाएं तथा हमारे विद्यालय के नन्हे मुन्ने प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं आप सबको बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर माता सरस्वती के चरणों में वंदन अभिनंदन करते हुए आप सभी छात्र छात्राओं को कोटि सा धन्यवाद देता हूँ कि पूजन में भाग लेकर माता सरस्वती को पूजा किए और जयकारा लगाए। देखिए प्यारे बच्चों, हम माता सरस्वती का पूजन बहुत पहले से करते आ रहे हैं। इसके पहले कुछ कहानी है। माता सरस्वती जब ब्रह्मांड में सृष्टि का रचना हो रहा था, प्राणियों में बोलने की शक्ति नहीं थी, उनके अंदर चेतना नहीं था, सद्भावना नहीं था, उस समय ब्रह्मा जी ने माता सरस्वती का आराधना किया, तपस्या किया, तब जाकर के माता सरस्वती प्रकट हुई। प्रकट हुए, इन्होंने अपने मधुर वीणा को बजाई, और जब अपने मधुर वीणा को बजाई तो पूरे इस धरातल पर हरियाली हरियाली छा गया, सभी प्राणियों में चेतना आ गई, बोलने की शक्ति आ गई। ये माता सरस्वती बहुत ही रूपवती देवी थी, इसलिए ब्रह्मा जी ने इनको इनके ऊपर अत्याचार भी किया, इनके ऊपर घोर अत्याचार किया, जबकि माता सरस्वती उनके पुत्री के समान थी। तब जाकर के माता सरस्वती ने उनको श्राप भी दिया, और आज भी देखते होंगे कि हर देवता देवी का पूजा आराधना होता है, हर देवी देवता का आप लोग मंदिर देखे होंगे, लेकिन आप लोग ब्रह्मा जी का कहीं पर मंदिर नहीं देखा होगा, और ना अपने घर में पूजा पाठ भी करता होगा। देखिए माता सरस्वती ज्ञान की देवी है, इनके द्वारा हमें सद्बुद्धि आती है, ज्ञान आता है, केवल विद्यार्थी नहीं साइंटिस्ट भी इसको अपने ज्ञान की देवी के रूप में इन्हें पूजा करते हैं, और इनसे विद्या भी लेते हैं और इनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।